अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मेरा मौजू है वो है नाकामियाँ कामयाबी की ज़मानत है। आजकल इस दौर में जद्दोजहद और सही की इतनी कमी हो गई है कि एक या दो बार की नाकामी के बावजूद हम इतना मायूस हो जाते हैं कि हम कामयाबी का तसव्वुर करना तो दूर की बात, हम उसका नाम लेना भी भूल जाते हैं। एक तालिब इल्म एक या दो बार नाकाम होते हैं तो वह मायूस होकर बैठ जाता है। उजाजा कराम उसे हिम्मत दिलाने के लिए कहते हैं, बेटा तुम कर सकते हो, तो वो कहते हैं कि आप सर जी आप मजाक कर रहे हैं, हम कैसे कर सकते हैं, हम तो नाकाम हो गए हैं। वो अपने अंदर से भरोसा खो बैठते हैं, अपने अंदर उम्मीद की किरण को खो बैठते हैं। इसे हमें उनके अंदर ये जज्बा उभारना है कि नाकामियाँ कामयाबी की ज़मानत है। नाकामियाँ नहीं मिलेंगी तो कामयाबी हमें कैसे मिलेगी? नाकामियाँ ही तो हैं जिनसे कामयाबी मिलती है, हम उसी से कामयाबी हासिल कर सकते हैं। दुनिया के बड़े बड़े कामयाब तरीन लोग बहुत बार नाकाम हुए, फिर उन्हें जाकर कामयाबी मिली। जैसे कि एडिसन है, एडिसन 9999 दफ़ा नाकाम हुआ और फिर उसे जाकर कामयाबी मिली। एक दफ़ा एक शख्स ने एडिसन से पूछा, तुम 9999 दफ़ा नाकाम हुए हो, क्या तुम्हें मायूसी नहीं हुई? तो एडिसन ने जवाब दिया, मैंने तो 9999 ऐसे तरीके दरियाफ्त कर लिए जिनसे बल्ब रोशन नहीं हो सकता था, और उसके बाद 10,000वां तरीका मैंने ऐसा ईजाद किया जिससे बल्ब रोशन हो गया और मुझे कामयाबी मिल गई। मैं बहुत बार नाकाम हुआ लेकिन मुझे आखिर में कामयाबी मिली। हम एक तरीके से हम अपने अंदर अपने दोस्तों के अंदर वो जज्बा उभार सकते हैं, उम्मीद की किरण रोशन कर सकते हैं। अगर हम हमारे कोई दोस्त अपनी हिम्मत खोकर बैठ गया, अपनी उम्मीद की किरण खोकर बैठ गया है, तो हम लोग उसको उम्मीद दिला सकते हैं कि हम लोग के नाकामियाँ कामयाबी की ज़मानत है। अगर हमें नाकामियाँ नहीं मिलेंगी तो कामयाबी का तसव्वुर, हमारे अंदर कामयाबी की जो और लगन है, कामयाबी की खुशी जो होती है वो मिट जाएगी। हमें बार बार जब कामयाबी पर कामयाबी मिलेगी तो हम लोग के अंदर जो कामयाबी की खुशी मिलने का तसव्वुर होगा वो हम खो बैठेंगे। अगर हम नाकामियों के बाद जब हमें कामयाबी मिलेंगी तो हमें इतनी खुशी होगी। अगर ऐसे ही हमें कामयाबी मिलती रही तो हमारे अंदर से हम लोग फिर कभी मेहनत करेंगे ही नहीं, हम कहेंगे हमें तो कामयाबी मिल रही है, मिलती जाए। उसके आज से उम्मीद की शमा अपने अंदर रोशन करें, अपने अंदर जज्बा उम्मीद का जज्बा उभारे। अगर आप नाकाम होते हैं तो नाकाम होने दें, आप कहें कि मेरा क्या जाता है, नाकाम हुआ, मैं अगली बार कोशिश करूंगा तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। आज से मुझसे वादा करें कि आप अपने अंदर उम्मीद की शमा रोशन करेंगे, कभी मायूस होकर नहीं बैठेंगे। शुक्रिया।